प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी जिसमें हमने जो फॉर्मूले यूज करे हैं इस चैप्टर में वो सारे इसमें दिए हुए हैं। इनका यूज करके आप इजीली कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर है क्लास 8 में उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, इसको आप रिडक्शन कह सकते हैं फ्रॉम द मार्केट प्राइस। जो भी आपका मार्केट प्राइस है उसमें से जब आप डिस्काउंट को हटा देते हैं तो जो अमाउंट मिलता है वो आपका होता है सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट आप हमेशा किससे रिड्यूस करते हैं, मार्केट प्राइस से। तो ये है इसका फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, तो आप इस तरह से भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करें डिस्काउंट परसेंटेज की, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, जो भी मार्क्ड प्राइस है उस पे, मार्क्ड प्राइस मींस जो उस पे प्रिंट रहता है ऑलरेडी, ठीक है, उस एमआरपी कहते हैं जो, उसको आपको चेक करना है और उस पे वो जो भी आपका डिस्काउंट दे रहा है उसको उस पे आपको इवैल्यूएट करना है। तो इसको कुछ नहीं करते आप, जो भी परसेंटेज है उसको डिवाइडेड बाय 100 इनटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है सीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको, वो हमेशा एक तो आपका रहता है कि जो होल सेलर है, ठीक है, होल सेलर वो एक रहता है और एक रहता है रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर होल सेलर से खरीद के लाता है माल। होल सेलर क्या करता है, एक ही सामान को बहुत बड़े क्वांटिटी में सेल करता है। ठीक है, और कई बार होल सेलर एक ही टाइप का माल सिर्फ रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के माल नहीं रखते हैं वो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस वो इवैल्यूएट करता है कौन, रिटेलर, जो आपका मतलब शॉपकीपर है वो अगर कॉस्ट प्राइस निकालेगा तभी तो आपको उससे कुछ ज्यादा करके या इक्वली आपको सेल्स करेगा एसपी से, सेल्स प्राइस से। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, बाइंग कॉस्ट, मतलब बाइंग प्राइस, मतलब जितने प्राइस में वो दूसरे से लेकर आया है प्लस ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, अगर वो बहुत दूर से लाया है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाया होगा, उसका कॉस्ट भी वो जोड़ेगा उसमें पर हेड में, मतलब एक एक आइटम में, पर आइटम में। उसके बाद अगर उसने स्टोरेज करके रखा है कहीं गोडाउन में तो उसका वो कॉस्ट जोड़ेगा। ठीक है, उसको कहेंगे आप होल्डिंग कॉस्ट। इस तरह से बहुत सारे कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है, उनको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। उनको जब हम बाइंग प्राइस में ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद बात करें सेल्स टैक्स। जो टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स हमेशा गवर्नमेंट करती है डिसाइड कि कितना टैक्स हमें किस आइटम पे लेना है। तो वो टैक्स हमेशा किस पे लगता है, जो आपका बिल अमाउंट आया है, आपने जितने भी आइटम्स लिए उनका पूरा टोटल सम कर देंगे, वो जो आएगा उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, 5%, 10%, 15%। तो आपको क्या करना है, टैक्स निकालने के लिए टैक्स परसेंटेज निकाल लेना है बिल अमाउंट के ऊपर। तो कैसे, जो भी परसेंटेज बताएंगे डिवाइडेड बाय 100 इनटू बिल अमाउंट। इसके बाद बात करें अमाउंट की, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो एनुअली हम क्या करते हैं, सपोज बैंक में हमने पैसा जमा किया, कुछ मान लीजिए 1000 रुपीज जमा किए बैंक में, उसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया उसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और हमें बैंक ने बोला कि हम 5% इंटरेस्ट देंगे आपको, ठीक है, फॉर 1 ईयर, तो वो कहलाएगा कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वो एनुअली आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको पे कर रही है उस पे ब्याज, और एन मतलब कितने टाइम के लिए आपने वो अमाउंट डिपॉजिट किया है, टाइम पीरियड, ठीक है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो बैंक हमेशा 1 ईयर के ऊपर आपको इंटरेस्ट देती है, उसमें वो ऐड हो जाता है जो आपका प्रिंसिपल था उसमें, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल और बढ़ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर उसमें वो दूसरे ईयर का इंटरेस्ट पे करती है। इस तरह से हमेशा चलता है। तो ये अगर आपको निकालना है कि कितना अमाउंट वो लास्ट में आपको पे करेगी आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये क्या है,
अमाउंट इक्वल्स टू की प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 पावर एन, एन मीन्स टाइम पीरियड। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा आपका, वो अमाउंट होगा जो आपको बैंक पे करेगी आफ्टर 3 इयर्स 2 इयर्स जितने टाइम के लिए आपने वो अमाउंट डिपॉजिट किया है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है, उसके बाद ये अमाउंट आता है। ये रेट ऑफ, ये आपका इंटरेस्ट में जुड़, इंटरेस्ट जो है वो जुड़ जाता है आपके अमाउंट में और फिर आपको पे करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये एक फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। और अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल जो आपने सबमिट किया था वहां पर डिपॉजिट किया था उसको माइनस कर दीजिए तो भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी एक फॉर्मूला है। इसके बाद ये तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए था, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली वो पे कर रहे हैं, ठीक है, एनुअली मतलब 12 मंथ्स 1 ईयर, ओके, मतलब वो आपको ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं। इसके बाद बात करें 7, तो अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आपको 6 मंथ्स के बाद ही इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है फॉर 1 ईयर डिपॉजिट किया है, ठीक है। 1 ईयर अगर डिपॉजिट किया होता इस वाले बेसिस कंपाउंडेड एनुअली से तो 1 ईयर के बाद ही वो उसको इंटरेस्ट जोड़कर आपको अमाउंट देते। अब अगर आपने इस तरह से सबमिट किया कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो कुछ 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट देंगे और फिर से एक बार इंटरेस्ट देंगे जब पूरा और एक 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, तो मतलब 1 ईयर में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें फॉर्मूले में क्या हो जाता है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है, तो R/2 हो जाएगा, तो ये R/200, और टाइम भी आपका क्या हो जाता है डबल, क्योंकि 1 ईयर में 2 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2N। तो ये 2N क्या है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं इसलिए 2N। और R/2 क्या है, हाफ ईयरली रेट, जो भी आपका रेट होगा उसको आप हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके आप इजीली इस मेथड का यूज करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम हाफ ईयरली इवैल्यूएट करते हैं और एनुअली इवैल्यूएट करते हैं। थैंक यू।